नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा अपनी एक्सरसाइज चल रही है 6.3। और बेटा हम 6.3 के प्रश्न संख्या पे आ चुके हैं, पांचवें पे। और अपना पांचवा प्रश्न है, ध्यान से समझना, प्रश्न संख्या है 5। और बेटा अपना पांचवा प्रश्न है कि आपको एक आकृति दी गई है जहां PQ है, लंब किस पे है, PS पे। अर्थात यहाँ एक पी से लेकर एस दिया गया है, PS। इस PS पर लंब क्या है, PQ, P से लेकर Q। देखिए यहां लंब है, इसका मतलब क्या है बेटा, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। आगे दिया गया है इसमें कि PQ है वो SR के समांतर है। अब यहां PQ है और S से लेकर R है, वो क्या है बेटा, समांतर है। PQ और SR इस प्रकार दी गई आकृति, SR समांतर है। और आगे दिया गया है आपको कि कोण SQR बराबर है 28 डिग्री। कोण SQR, ये वाला कोण दिया गया है 28 डिग्री। और आगे आपको दिया गया है कोण QRT बराबर है 65 डिग्री। QR और इसको आगे बढ़ाया गया है T तक, और ये वाला दिया गया है 65 डिग्री। तो अपने को मान ज्ञात करना है एक X का और एक Y का, ये वाला X और ये वाला क्या है, Y। अब अपने को ये आकृति दी गई है, देखो बेटा प्रश्न में ये आकृति दी गई है कि जो PQ है वो PS के लंब है, वह PQ और SR आपस में समांतर है, ये दोनों आपस में समांतर है। और आपको ये वाला कोण दिया गया 28, और SR को कहाँ तक बढ़ाया गया है, T तक बढ़ाया गया है। और जहाँ QRT है वो कितना डिग्री दिया गया है, 65 डिग्री दिया गया है। और अपने को X और Y का मान ज्ञात करना है। अब सबसे पहले देखिएगा, मैं लिख देता हूँ कि PQ लंब है PS पर, वह PQ है वो लंब किस पे है बेटा, PS पर। अब आप मुझे ये बताएं कि PQ लंब है PS, वह PQ समांतर है RS के। अपने को ये दिया गया है, लंब है तो मतलब ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा बेटा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब यहाँ मैं बात करूँ इस त्रिभुज की, त्रिभुज SRQ, त्रिभुज SRQ में देखिए बेटा, SRQ में SR को मैं भुजा SR को T तक बढ़ाया गया है। आपका जो ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है SRQ में, SR को कहाँ तक बढ़ाया गया है, T तक बढ़ाया गया है। तो मुझे एक बात बताएं आप, QRT बराबर किसके होगा। अब देखो, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था नोट्स में कि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बना बहिष्कोण दो अंतराभिमुख, दो सामने वाले अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो देखिए बेटा, आप मुझे ये बताएं तो QRT को मैं ये लिख सकता हूँ क्या, QRT बराबर SQR प्लस में SQR प्लस में RSQ, RSQ अर्थात QRT आपका 65 डिग्री है। रीजन देना चाहते हो, त्रिभुज के, त्रिभुज का बहिष्कोण दो
अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज का दो बहिष्कोण है वो सामने के दो अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। बोलो क्लियर है कि नहीं? आप इतना भी लिख सकते हो ना, बहिष्कोण वाला नियम लगाया हमने। अब यहाँ आप देखिएगा, ये वाला आपको यहाँ त्रिभुज का बहिष्कोण, या यहाँ देखिए क्यू आर टी कितना है बेटा 65 डिग्री, प्लस में एस क्यू आर है आपका बराबर 28 डिग्री, प्लस में आर एस क्यू, आर एस क्यू तो अपने को निकालना ही है, आर एस क्यू तो आपका कोण आर एस क्यू बराबर आ गया 65 डिग्री माइनस का 28 डिग्री। इसको इधर ले गया तो प्लस से क्या हो गया बेटा, माइनस हो गया। अब यहाँ देखिएगा कोण आर एस क्यू बराबर 15 में से 8 गया कितना बच गया भाई 7, और 5 में से 2 गया कितना बच गया भाई 3। तो यहाँ एंगल आपका आर एस क्यू है वो कितना आ गया बेटा 37 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? देखो मैंने कुछ नहीं किया, आपका ये जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है उसकी भुजा एस आर को टी तक बढ़ाया, और आप जानते हो कि इसको बढ़ाने पर बना बहिष्कोण सामने के दो अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अब यहाँ ये मैंने निकाल दिया कितना आ गया 37 डिग्री। अब देखो क्या था कि पी क्यू है वो समांतर किसके है, आर एस के। पी क्यू है समांतर किसके, आर एस के। बेटा पी क्यू और आर एस समांतर है तो क्यू एस क्या बन गई, एक त्रिक रेखा। अब यहां देखिए पी क्यू समांतर है आर एस के व क्यू एस एक त्रिक रेखा है, एक त्रिक रेखा है, और आप जानते हो त्रिक रेखा है ये दोनों समांतर है तो Z की आकृति बना रहा है। क्या बना रहा है बेटा, Z की आकृति बना रहा है। ये आपका 28 था तो मैं लिख सकता हूं क्या, X बराबर 37 डिग्री। X बराबर कितना 37। देखो बेटा ये Z की आकृति, ये दोनों समांतर है त्रिक रेखा, और ये वाली त्रिक रेखा है Z की आकृति बन रही है, मतलब कि अगर दो समांतर रेखा है उनको एक त्रिक रेखा प्रतिच्छेद करे तो बनने वाले एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्योंकि बेटा ये क्या है आपका एकांतर कोण, और एकांतर कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये वाला आ गया 37 डिग्री। अब जल्दी से देखिएगा, बना तो मैं ये भी सकता हूँ फिर भी नहीं। यहाँ बोलो पी एस क्यू एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है कि नहीं, फिर भी मैं लिख देता हूँ यहाँ कि त्रिभुज पी, इसको मिटा रहा हूँ बेटा, त्रिभुज पी एस क्यू में आप मुझे बताएं कोण पी प्लस में कोण पी एस क्यू प्लस में कोण पी क्यू एस बराबर हो गया 180 डिग्री। दिखाई दे रहा है ना 180 डिग्री। अब यहाँ मतलब मैंने ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये तीनों कोण लिखे, और इन तीनों कोणों का योग कितना होता है, यहाँ लिख देता हूँ 180 डिग्री। अब बताएं कोण P समकोण था तो 90 डिग्री का, और कोण S अपने को फाइंड करना है मतलब Y, और ये वाला कितना आया है बेटा 37 डिग्री, और बराबर हो गया आपका 180 डिग्री। अब यहां मैं बात करूं 7 और 9 और 3 12, अब आप मुझे बताएं कितना आ गया 127 डिग्री। यहां आ गया 127 डिग्री, प्लस में कोण y बराबर है 180 डिग्री, और अगर कोण y की बात करूं मैं तो 180 माइनस का 127 डिग्री। 10 में से 7 गया 3, 7 में से 2 गया 5, तो आपका बेटा कोण y है वो 53 डिग्री आ गया। कितना आ गया बेटा, कोण y है वो 53 डिग्री आ गया। एक बार फिर से समझना, देखिए ये इस पे लंब है मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है, और ये वाला एक त्रिभुज है, इसकी एक भुजा को आगे बढ़ाया गया है तो ये 65 है, इन दोनों के योग के बराबर आएगा कि नहीं। तो ये वाला हमने कितना निकाल लिया बेटा 37,
उसके बाद ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये त्रियक रेखा है, तो यहाँ Z की आकृति बन रही है। तो अगर ये 37 है तो ये भी कितना होगा, 37 होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि ये आपका समकोण है और ये त्रिभुज कौन सा बन गया, समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। जहां अपने को एक कितना दिया गया है बेटा, 90 डिग्री, और दूसरा कितना दिया गया है, 37 डिग्री। और अपने को कोण वाई ज्ञात करना है, तो यहां देखिए कोण अपने को वाई ज्ञात करना है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। जहां अपने को दो कोण दिए गए हैं, तीसरा कोण ज्ञात करना है, और दिए गए कोणों का योग है वो 127 डिग्री है, और प्लस में वाई बराबर कितना है, 180 डिग्री। अब आप देखिएगा इन दोनों कोणों का योग करके तो आया 127, तो वाई बराबर आ गया 180 माइनस 127, अर्थात कितना आ गया, 53 डिग्री। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको मिटाता हूँ, इसका लास्ट प्रश्न देखते हैं। इसका प्रश्न संख्या है 6। आपका छठा क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आराम से करवाऊंगा मैं छठा क्वेश्चन। थोड़ा सा इसमें प्रूव करना है कि आपको एक आकृति दी गई है जिसमें एक त्रिभुज दिया गया है PQR, एक त्रिभुज दिया गया है PQR। अब देखो ये वाली आकृति दी गई है, थोड़ा सा इधर कर देता हूं, दिखाई नहीं दे रहा। एक त्रिभुज दिया गया है PQR, ये वाला है P, ये वाला है Q, और ये वाला है R। आकृति में एक त्रिभुज PQR दिया गया है जिसकी भुजा QR को S तक बढ़ाया गया है, QR को S तक बढ़ाया गया है। देखो मैं आकृति पूरी नहीं बना रहा हूं, अब मुझे ये बताएं QR को कहां तक बढ़ाया गया है, S तक बढ़ाया गया है। अब देखो त्रिभुज PQR में भुजा QR को S तक बढ़ाया गया है, देखो PQR में भुजा QR को कहां तक बढ़ाया गया है, S तक बढ़ाया गया है, तो बनने वाला बहिष्कोण आपको पता है ना, एक भुजा को बढ़ाया गया है तो बनने वाला बहिष्कोण दो, इसके सम्मुख दो सामने वाले अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या कि कोण PRS, PRS मतलब मैं इस कोण की बात कर रहा हूं, बराबर होगा कोण P प्लस कोण PQR। देखो ये सामने वाले दो अंतराभिमुख कोण है कि नहीं, ये QR को S तक बढ़ाया गया है, तो बनने वाला बहिष्कोण दो अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा, या मैं यहां कोण P, या आप, मैंने P लिख दिया तो कोई बात नहीं, यहां मैं कोण Q लिख देता हूं, वो तो एक ही बात है ना, क्योंकि बहिष्कोण, या मैं लिख देता हूं त्रिभुज का बहिष्कोण, एक बहिष्कोण, आकृति पूरी नहीं की है, जिस प्रकार आकृति बनाता जाऊंगा प्रश्न करता जाऊंगा, त्रिभुज का एक बहिष्कोण सामने वाले दो अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, ये इसका रीजन है। उम्मीद करता हूं ये तो क्लियर हो गया होगा। अब आकृति पे दोबारा आए, प्रश्न क्या बोल रहा है कि S तक बढ़ाया गया है जहां, अच्छा ये मेरे को ये बताएं कि कोण PRS है वो किसके बराबर है, कोण P प्लस में कोण Q। अच्छा मुझे ये बताएं कि मैं इस समीकरण को 1/2 से गुणा कर दूं, तो आप मुझे ये बताएं 1/2 इंटू कोण PRS बराबर होगा 1/2 कोण P प्लस 1/2 कोण Q। ये तो समझ में आ गया होगा आपको। देखो
एक त्रिभुज है पी क्यू आर, क्यू आर को एस तक बढ़ाया गया है, तो यहाँ ये वाला बहिष्कोण अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर है, तो इसका आधा इन दोनों के आधा के योग के बराबर होगा कि नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखो मैं क्या करता हूँ कि पी कोण, आगे प्रश्न क्या दिया गया है कि कोण पी क्यू आर, पी क्यू आर और पी आर एस के समद्विभाजक। अब देखो कोण पी क्यू आर और पी आर एस के समद्विभाजक, मतलब एक तो कोण क्यू को समद्विभाजित कर रहा है और एक कोण आर को समद्विभाजित कर रहा है, इसके समद्विभाजक कहाँ मिलते हैं भाई? बिंदु टी पे मिलते हैं। ये वाला बिंदु ऊपर है ना, ये टी है बेटा। क्या है ये? टी। टी पे मिलते हैं। समद्विभाजक का अर्थ क्या हो गया कि एक तो ये जो क्यूटी रेखा है इसको समद्विभाजित कर रही है। किसको समद्विभाजित कर रही है बेटा? कोण क्यू को। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या है? बराबर। ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में क्या है? बराबर। अच्छा तो मुझे एक बात बताएं कि क्यू और आर है, क्यू से लेकर एक रेखा क्यू टी है, आर से लेकर एक रेखा आर टी है, जो कोण क्यू व कोण आर दोनों को समद्विभाजित कर रही है और दोनों रेखाओं को आगे बढ़ाने पर यह बिंदु टी पर मिलती है। तो बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि कोण टी आर एस, ध्यान से समझना, एक बटा दो पी आर एस, एक बटा दो पी आर एस, एक बटा दो पी आर एस, मतलब कि इसका आधा। तो बराबर क्या हो सकता है? ध्यान से समझिएगा कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि पी आर टी आर एस कोण टी आर एस बराबर है आपका, ऐसे यहां दिया गया है टी आर एस बराबर एक बटा दो कोण पी प्लस कोण टी क्यू आर, एक बटा दो कोण पी प्लस कोण टी क्यू आर। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। देखो पी आर एस, पी आर एस ये इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है कि नहीं, तो इसका आधा, देखो मैंने यहां लिखा बहिष्कोण वाला रूल लगाया, इसका आधा कर दिया, इसका आधा क्या होगा? कोण टी आर एस, टी आर एस, ये होगा कि नहीं इसका आधा? क्योंकि बेटा इस टोटल कोण को ये रेखा आर टी है वो क्या कर रही है? समद्विभाजित कर रही है। तो आपका ये वाला कोण है टी आर एस आधा है कि नहीं इसका? बराबर है एक बटा दो प्लस में कोण टी क्यू आर। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। इसको मैंने लिखा समीकरण एक, इसको मैंने क्या लिखा? समीकरण एक, मतलब कि यहां कोण क्यू है वो दुगुना किसका है? कोण टी क्यू आर का। कोण Q बराबर है आपका, यहां दिया गया है दो इंटू कोण टी क्यू आर, कोण Q बराबर है दो इंटू कोण टी क्यू आर। और दूसरा आपको दिया गया है कि कोण पी आर एस बराबर है दो टी आर एस, कोण पी आर एस बराबर दो टी आर एस, टी आर एस। कोण क्यू है, देखो कोण क्यू है वो दुगना किसका है? टी क्यू आर के। अब यहां मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि तो अपने को सिद्ध करना है कि कोण क्यू टी आर है वो बराबर है एक बटा दो कोण क्यू पी आर के। तो क्योंकि बेटा क्यू टी और आर टी है वो Q और PRT के समद्विभाजक है। अब यहाँ अगर मैं बात करूँ कि त्रिभुज QRT में, अब दूसरा त्रिभुज लेता हूँ, त्रिभुज QRT में, त्रिभुज QRT में आप मुझे बताएं त्रिभुज QRT में बाहरी कोण कौन सा है? TRS है कि नहीं? बाहरी कोण कौन सा है बेटा इसमें? TRS। तो इसके बराबर लिखा मैंने टी आर एस, ये बराबर है टी आर एस किसके बराबर है बेटा? कोण
टी क्यू आर प्लस कोण टी, कोण टी क्यू आर प्लस कोण टी, इसको लिखा मैंने क्या भी बेटा, समीकरण दो। अब एक पूरा करवा देता हूँ, फिर से रिपीट करवाऊंगा ना तब डिटेल से समझ में आ जाएगा। समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से, अब देखो टी आर एस, टी आर एस एक बटा दो पी प्लस टी क्यू आर, टी क्यू आर प्लस टी, तो समीकरण एक टी आर एस बराबर टी आर एस है। तो मुझे बताएं बेटा एक बटा दो, दिखाई तो दे रहा है ना, एक बटा दो यहां लिख देता हूं, एक बटा दो कोण पी प्लस कोण टी क्यू आर बराबर है, आप मुझे बताएं कोण टी क्यू आर प्लस में कोण टी। अब टी क्यू आर से टी क्यू आर क्या हो गया, कैंसल। अब बेटा अपने को प्रूफ क्या करना था कि कोण टी है वो एक बटा दो है कोण क्यू पी आर के, यही अपने को प्रूफ करना था कि कोण टी है वो एक बटा दो कोण पी के बराबर है। ये वाला कोण है, इस कोण का क्या है, आधा है। अब ध्यान से समझिएगा, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, त्रिभुज पी क्यू आर दिया गया है, पी क्यू आर, जहां पी क्यू आर भुजा को एस तक बढ़ाया गया है, तो इससे बनने वाला बहिष्कोण दो अंतरा सम्मुख दो अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो आपका पी आर एस है वो किसके बराबर हो गया, कोण पी प्लस कोण क्यू, कोण पी प्लस कोण क्यू। अब इसका मैंने आधा कर दिया, तो एक बटा दो पी आर एस बराबर है एक बटा दो पी प्लस एक बटा दो क्यू। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दूसरा देखिएगा बेटा, यहाँ अगर मैं बात करूँ कि कोण क्यू और कोण आर से दो रेखाएं खींची क्यू टी और आर टी, जो कि बिंदु टी पे जाके मिलती है, तो आप बेटा मुझे ये बताएं, और इन दोनों को क्या कर रही है, समद्विभाजित, इन दोनों को क्या कर रही है, समद्विभाजित। तो बेटा मुझे एक बात बताएं आप कि मैंने क्या किया कि क्यू आर और टी लिया, क्यू आर और क्या लिया बेटा, टी लिया। तो यहाँ इसमें देखिएगा इसका बहिष्कोण है वो दो अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर है कि नहीं, जस्ट मैंने यही लिखा है। और इसको तो लिखा समीकरण एक और इसको लिखा समीकरण दो। अब यहाँ लिखा मैंने कोण क्यू है, कोण क्यू की बात कर रहा हूँ, वो दो कोण टी क्यू आर के बराबर है, दो कोण टी क्यू आर के बराबर है। ये तो देखो ये वाला टोटल कोण है, इसका आधा है, और आपका जो कोण पी आर एस है, पी आर एस है वो दुगुना किसका है, टी आर एस का है। ये तो समझ में आ रहा होगा, मतलब कि ये कोण है टोटल इसका दुगुना, और ये टोटल कोण है वो इसका दुगुना, ठीक है भाई। अब इसको तो मैंने समीकरण एक लिखा और इसको समीकरण क्या लिखा बेटा, दो। फिर क्या किया, समीकरण एक दो में लेफ्ट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। और यही अपने को प्रूव करना था, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, तो टी क्यू आर और ये आपस में कट गया, तो एक बटा दो पी बराबर है कोण टी। और अपने को यही प्रूव करना था कि कोण टी है वो इस कोण पी का क्या है, आधा है। अच्छे से आप ये प्रश्न समझना, बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, एक ही रूल लगाया है मैंने, इसके अलावा कोई रूल ही नहीं लगाया। बहिष्कोण का मान अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, और इसका आधा कर दिया, इधर वाले से समीकरण एक लिया, इधर वाले से त्रिभुज से समीकरण दो लिया, फिर समीकरण एक और दो से मैंने दोनों को इक्वल रखा, तो आपका जो भी प्रूफ करना था वो आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया है। बेटा फिर भी नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, कल से हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।